ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप एकदम मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे इस कोरोना एरा में, और अब टेंशन फ्री भी होंगे। बिटकॉइन थोड़ी सी पॉइंट में हमें ग्रोथ दिखा रहा है। अगर मैं बिटकॉइन की अभी लाइव प्राइस की बात करूँ, थोड़ा सा हम बिटकॉइन का ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर जल्दी से हमारा जो मेन टॉपिक है स्कैम वगैरह उस पर भी बात करेंगे। बिटकॉइन की अभी जो प्राइस आप देख सकते हो, फिलहाल अभी लाइव जब मैं इसको चेक कर रहा हूँ, तो 0.08% ये हमें डाउन बता रहा है। 28,99,496 रुपये की इसकी प्राइस चल रही है अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप। कुछ लोग मुझे कमेंट करके ये बोलते हैं, भाई बाइनेंस पे तो ये प्राइस दिखा रहा है, भाई वजीरेक्स पे तो ये प्राइस दिखा रहा है, आप गलत क्यों प्राइस बता रहे हो? तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करा करो। बिटकॉइन की प्राइस में कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये चीज है। और एक चीज आप और चेक करना, मार्केट कैप जरूर थोड़ा सा थोड़ी देर पहले उठा था पॉइंट्स में ही, बट अभी वापस से डाउन हो गया है। और एक चीज, वॉल्यूम 100 से ऊपर ग्रोथ दिखा रही है, 104% की हमें वॉल्यूम उठती हुई दिख रही है। और अगर हम ग्राफ को देखेंगे, नहीं ग्राफ आप खुद भी देख लेते हो, बार बार इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब मेन मुद्दे की बात पर आ जाते हैं कि भैया आपने क्या बताया कि आपके जो क्रिप्टो कॉइन से वो खतरे में है, ठीक है? ये फंडा क्या है वो हमें समझाइए। और चीज़ों के ऊपर बात करने से अच्छा है पहले हम खुद के ही चैनल की बात कर ले कि मेरे चैनल पर भी अभी स्कैम वगैरह चल रहे हैं। अगर मेरे ही नाम का कोई ऐसा रिप्लाई आ जाए जिसमें आपको कोई व्हाट्सअप नंबर दिया हो, तो भाई मैंने अपने हर वीडियो में आपको ये बताया हुआ है, वो स्कैमर्स होते हैं। तो क्यों आप उनके चक्करों में आ जाते हैं? उनके रिप्लाई और करते हैं कुछ महाशय, तो हमारे ऐसे हैं वो व्हाट्सअप नंबर दे देते हैं और कहते हैं कि भैया इसमें रिप्लाई नहीं आ रहा ऐसे वैसे, तो भाई उनके चक्करों में मत आओ। अब मेन स्कैम्स की बात करते हैं, अभी क्या मार्केट में चल रहा है, ठीक है? पोंजी स्कीम वगैरह आ रही है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ये एक श्रीमान जी हैं रॉबर्ट भाई साहब, इनको भी कुछ इसी तरीके से एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिला, और उसमें ऐसा दावा किया जा रहा था कि अगर इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आप एक इथेरियम भेजोगे, एक इथेरियम डालोगे, तो उससे आपको 30 इथेरियम मिल जाएंगे, 30 इथेरियम आपके बन जाएंगे, ठीक है? इन्होंने अपने ट्वीट पर साफ साफ लिखा है, फाउंड अ क्लेवर हनीपॉट कॉन्ट्रैक्ट, और इन्होंने ये भी कहा है कि एक इथेरियम से 30 इथेरियम की कहानी। लेकिन अगर आप इनके रिप्लाई सेक्शन में आओगे तो इन्होंने रिप्लाई करते हुए लिखा है कि ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसका नाम ईथर स्कैन है, रॉन्ग हिडन अवे इन ईथर स्कैन इज एन इंटरनल कॉल दैट अपडेट द स्ट्रिंग। इन्होंने पूरा जो भांडा है इसका पूरा फोड़ दिया है। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको इस तरीके से बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे जिसमें आपको दावा किया जाएगा कि भाई आप अपना ये कॉइन भेजिए, बदले में आपको इतने कॉइन भेज दिए जाएंगे। अगर इसकी बात करूं मैं इथर स्कैन की, तो अगर आप इसमें अपना एक इथेरियम भेजोगे ना, तो वो फंस जाएगा और जो जिसने ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है वो मजे ले जाएगा, बस और कुछ नहीं है। कई बार क्या होता है, मेरे बहुत से बड़े भाई साहब ऐसे हैं जो कि ऐसी टेक्निकल बातों में फंस जाते हैं कुछ लोगों की, और उनको लगता है कि भाई ये बंदा तो काफ़ी टेक्निकल बातें कर रहा है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, ठीक है, इसमें काफ़ी नॉलेज है, समझ में कुछ आता नहीं है, बट बातें उनकी अच्छी लगती है और उनकी बातों में आके आप उनके जाल में फंस जाते हो। तो मेरा सिंपली यही कहने का मतलब है, अभी ये तो एक सिंपली एक एग्जांपल मैंने बताया, ऐसे ही बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी मार्केट में चल रहे हैं जो कि तरह तरह के कॉइन्स में आपको फंसाने के लालच देते हैं कि भाई आप अपना एक डोग डालिए, बदले में आपको हम 30 डोज कॉइन दे देंगे, 50 डोज कॉइन दे देंगे, हम इतने कॉइन्स का डोज कॉइन का गिव अवे कर रहे हैं, इस लिंक पर क्लिक करिए। इस तरीके से मार्केट में बहुत सारे अभी स्कैम्स चल रहे हैं, पोंजी स्कीम चल रही है, तो आप प्लीज उनसे सतर्क रहें। एक पोंजी स्कीम तो ये है जो कि अभी 24 घंटे के भीतर ही काफी अभी ट्रेंड कर रही है, लोगों को इसके बारे में पता चलना शुरू हो गया है। ये पोंजी स्कीम है, लगभग 4 बिलियन US डॉलर की पोंजी स्कीम थी, वन कॉइन एंड क्रिप्टो कॉइन। तो कुल मिला के देखो, मैं आपको कोई समाचार देना नहीं चाहता, इसमें ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। कुल मिला के बात यह है कि अभी जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, कुछ लोग टेंशन में आ रहे हैं, पैनिक सेलर बन रहे हैं, और जहां भी उनको थोड़ा बहुत भी लालच मिलता है उनके चक्करों में वो आ जाते हैं। आप देखो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब आप सभी स्मार्ट लोग हैं, तो ऐसी बचकानी हरकतें आप बिल्कुल भी ना करें, आप सभी मेरे स्मार्ट भाई हैं, तो इन पोंजी स्कीम के चक्रों में आप बिल्कुल भी ना आए। अगर मैं स्कीम्स वगैरह आपको बताता रहूं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए एक न्यूज और दे दूं, ठीक है? कल जैसा हम बात कर रहे थे कि क्रिप्टो रेगुलेशन के बारे में, कि इंडिया में भी सिंगापुर मॉडल के तहत अब रेगुलेशन आने वाला है, तो इसी के तहत आज की ही ये न्यूज़ है 20 मई की, और शायद हम सो रहे होंगे तब ये न्यूज़ आई थी। ऑस्ट्रेलियन सीनेट कमेटी एक्सप्लोरिंग क्रिप्टो रेगुलेशन। ऑस्ट्रेलिया सहित और भी ऐसे देश है जहां अब क्रिप्टो का रेगुलेशन बनने वाला है, ठीक है, कि क्रिप्टो करेंसी को हम किस तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं अपनी कंट्री में। तो अभी न्यूज़ अच्छी अच्छी भी आ रही है, ऐसा नहीं है कि यार मार्केट अभी
इस तरीके से डाउन हो रखा है, पूरा का पूरा क्रैश हो रखा है, तो कोई गुड न्यूज नहीं आएगी। अगर आप थोड़ा सा मार्केट को और छानोगे, थोड़ी सी और रिसर्च करोगे, तो आपको पता लगेगा कि भाई इस समय और भी अच्छी अच्छी पॉजिटिव न्यूज आ रही है। तो आप नेगेटिव पॉइंट को मत देखो, पॉजिटिव अभी जो न्यूज आ रही है उनको देखो और डोंट पैनिक। फिर से मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, तो इस न्यूज को मैं ज्यादा अब आपको बताऊंगा नहीं, आप खुद भी पढ़ लेना न्यूज वगैरह के बारे में। अगर बिटकॉइन को लेकर हम बात करें, ठीक है, जो कि हमें देखना चाहिए, बिकॉज बिटकॉइन क्या है, हमारे सभी अल्टकॉइंस पर इफेक्ट डालता है, तो उसके बारे में भी हमें देखना चाहिए। कल जैसा मैं आप सभी को ये समझा रहा था कि भाई इस समय जो आम पब्लिक है, आम ट्रेडर्स है, वही पैनिक सेलर बने हुए हैं। मार्केट जानबूझकर डिप की तरफ ले जाया जा रहा है, मार्केट को जानबूझकर डाउन किया जा रहा है, और हो रहा क्या है, जो आम पब्लिक है, जो हम जैसे आप जैसे जो छोटे मोटे क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, वही पैनिक सेलर बन रहे हैं। और जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से बड़े जो बुल्स बैठे हुए मार्केट में, इन्वेस्टर्स हैं, वो तो मजे ले रहे हैं मार्केट के, डिप में एंट्री लेने के बारे में और विचार कर रहे हैं। इसी के तहत क्रिप्टो फोर्ब्स क्रिप्टो ने एक रीट्वीट और किया है, देख सकते हो आप, बिटकॉइन बुल्स आर होल्डिंग। तो ये जितने भी बुल्स बैठे हुए, बड़े जो इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, वो होल्ड करके रखे हैं अपने कॉइन्स को, सेलर वगैरह कोई बन रहे नहीं है। तो आप देख सकते हो और भी इन्होंने ट्वीट किए हुए हैं, तो आप ये भी चेक कर लेना इनके ट्विटर हैंडल पे जाके। तो आप एक ये चीज समझ लो कि इस समय मार्केट का ये जो माहौल हो रहा है, अगर आपको ज्यादा ही टेंशन हो रही है ना, मैं कितना भी मोटिवेट कर दूं, लोग कमेंट करके यही बोलते हैं, भाई मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, अगर मार्केट नहीं उठा तो मैं उठ जाऊंगा। तो यार ये ना मतलब बच्चों वाली बात है, मैं इसके ऊपर अब ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। अगर हम ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट के अकॉर्डिंग भी बिटकॉइन को समझने की कोशिश करें, तो आप देख सकते हो जहां ये कल तक कांटा स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ था, स्ट्रॉन्ग सेल पर था, अब ये सेल पर आ गया है, मतलब अब लोग कम सेल कर रहे हैं। और ग्राफ वगैरह को आप देख ही सकते हो। इसके अलावा जो BTC है उसकी अभी प्राइस लगभग $40,000 के आसपास आ गई है, कल तो $40,000 के ही नीचे चली गई थी। तो देखो धीरे धीरे मार्केट बढ़ेगा, मार्केट बढ़ने के बाद में न्यूज़ वगैरह आएंगी, और आप देख लेना थोड़ी देर बाद में ही आपको न्यूज़ मिलना शुरू हो जाएगी कि भाई इस बड़े इन्वेस्टर ने इतना पैसा डाला हुआ है। मुझे अगर कोई न्यूज़ वगैरह मिली तो मैं ज़रूर से इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और मैंने खुद ने भी रात को कुछ कॉइन्स में यार पैसा डाला है, शायद मैंने आपको ये बात कही होगी कल के वीडियो में, नाइट वाले वीडियो में, बट मैं वीडियो नहीं बना पाया था, लेट नाइट हो गया था, तो इसकी वजह से वीडियो आपको नहीं मिला होगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा आज आपको वो वीडियो बना के जरूर दूं जिसमें मैंने बताया है कि भाई मैंने इन इन कॉइन्स में पैसा डाला है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, मोटिवेट करा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते, और कुछ मेरे बड़े भाई साहब तो ऐसे रेगुलर वीडियोस को देखते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, बट अब तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है। तो कुछ नहीं जाता भाई, फ्री में होता है, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लो। फिलहाल अगर हम और न्यूज़ वगैरह को देखें और कॉइन्स की तरफ अपन जाए, तो आप देख सकते हो फिलहाल तो मार्केट ऐसा ही चल रहा है ढीला। किसी कॉइन के बारे में मैं कुछ ज़्यादा आपको बताना नहीं चाहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल काम का है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं जल्द ही नए अपडेट के साथ, टिल देन बाय बाय।